पूरे देश में इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश में सीएम योगी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं रविवार स्वच्छता का अलख जगाने एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा भी अपने टीम के साथ सफाई अभियान में उतर पड़े और काली मंदिर चौराहे से यातायात कार्यक्रम तक लगाए गए बैरियर, जिनका प्रयोग डिवाइडर के रूप में किया जा रहा है, उसकी साफ सफाई की और लोगों को संदेश दिया कि शहर आपका है, इसलिए इसके सफाई में कोई संकोच ना करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। हम अगर पुलिस विभाग में है, जनता है, सब लोग है, अपना अपना काम करेंगे, गोरखपुर बहुत सुंदर हो जाएगा। हम लोग इसको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आया और हम लोग हर सप्ताह एक चौराहा चुनेंगे जिसके बैरियर हम लोग साफ करेंगे। ये गंदा भी लग रहा है, यहाँ नहीं मजा आएगा। हम हर पॉकेट पे, हर जगह पे सफाई की बहुत गुंजाइश है। अभी तो 99% गुंजाइश है कहीं जो है, तो उसी अनुक्रम में हम लोग प्रेरित होकर हम लोगों ने आज अपने ट्रैफिक कार्यालय और ट्रैफिक बैरियर्स की सफाई का कार्यक्रम किया हम लोगों ने, और ये निरंतर रहेगा। हमारे बैरियर बहुत गंदी अवस्था में पड़े हुए, जिससे लोग देखते हैं तो एक अलग तरीके का इम्प्रेशन बनता है, तो स्वच्छता का इम्प्रेशन होना चाहिए। अगर हमारा बैरियर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, तो उससे हमारी कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठता है। तो हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग बैरियर्स को साफ सुथरा रखेंगे और हर सप्ताह एक चौराहा लेंगे जिसमें हम उस चौराहे के बैरियर को साफ करेंगे। ट्रैफिक विभाग के जितने भी स्टाफ हैं, क्या निर्देश दिए हैं किस तरह? नहीं, निर्देश नहीं है हमारा, ये हमारी टीम है, इसको निर्देश देने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग तो स्वैच्छिक रूप से साथ में चल के स्वच्छता कर रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का निर्देश नहीं है। ये वॉलंटरी है, जिसको करना हो करे, जिसको नहीं करना हो ना करे। मैं अकेले भी करूँगा। हाँ, उन लोगों से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि पान खा के बैरियर ही नहीं, सड़कों पर भी ना थूकें, घर में भी ना थूकें, सरकारी कार्यालयों में भी ना थूकें और कहीं ना थूकें।